गैस ये मेरी अर्निंग है जो मैंने की है। मैंने इस ट्रिक से तो सारी अर्निंग ये नहीं की, इसमें और भी बहुत सारी ट्रिक्स लगाई हैं, बट जो मेन यहाँ पे हमारे पास अर्निंग पड़ी है वो ये पड़ी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो है वो फेक है सारा सिस्टम, तो मैं आपको जो यहाँ पे रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अर्निंग बिल्कुल रियल है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वही अर्निंग पड़ी है जो मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ पर जो है सारा सिस्टम आपके सामने है। गाइस कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त श्याम मलिक एंड आप देख रहे हैं मिस्टर श्याम यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडस्टीरा की ट्रिक देने वाला हूं, और ये एडस्टीरा की ट्रिक आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आपने आज तक कुछ भी अर्न नहीं करा है तो गाइस ये मेथड इस ट्रिक को यूज़ करके आप जो है वो ज़्यादा नहीं बट जितना आपका पॉकेट मनी रहता है आप उतना इजीली अर्न कर सकेंगे। सो आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कर लेना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि आपने काम किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास यहाँ पर जो है वो 256.45 यहाँ पर जो है वो USD पड़े हुए हैं, और गाइस मैंने ये सारे यहाँ से अर्न नहीं करे, यहाँ पर जो है वो जस्ट इस ट्रिक को यूज़ करके नहीं करे। मेरी कुछ वेबसाइट्स के ऊपर भी मेरी ये जो अकाउंट है वो लॉगिन है, लेकिन इस ट्रिक के जरिए भी यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा अमाउंट जो है वो जनरेट हो रहा है और मुझे व्यूज़ भी मिल रहे हैं। सो करना क्या है, सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट क्रिएट कैसे करेंगे, आपने सिंपली गूगल साइट्स पे आना है। गूगल साइट्स पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है वो अपने गूगल में चले जाना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है वेट लॉस इन 10 डेज, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा मेन टाइटल रहेगा। आपने करना क्या है, सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको जो ट्रिक देने लगा हूँ ना ये बहुत कमाल की रहने वाली है। यहाँ पे आप अपना साइट नेम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो मैं मिस्टर श्याम भी लिख सकता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मिस्टर श्याम लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई सी भी एक इमेज उठा लेनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो मैं जो है वो ये वाला जो एक इमेज है ये वाली मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पे ये भी उठा सकते हैं जिसके ऊपर हमारा मेन टाइटल भी आ जाएगा। तो इसको उठाने के बाद आपने सिंपली यहाँ इमेज वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और आपने टेक्स्ट के जो यहाँ पे ऑप्शन है इन दोनों को यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास जब वो इमेज आ जाएगी सिंपली आपने इस इमेज को यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपके सामने इसको थोड़ी सी यहाँ पर जो है इसकी साइज़ को एडजस्ट करके यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मिड में। ये हमारी एडजस्ट हो गई, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो हमारा मेन टाइटल आ रहा है। अब आपने करना क्या, ChatGPT के पास चले जाना है। यहाँ पे आपको जो है वो एक ऐप्रेम की जो है वो एक्सटेंशन करनी है। वो करने के बाद आप सिंपली फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आर्टिकल है आपने यहाँ पे जो आपका टाइटल है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, जैसे कि मेरा है वेट लॉस इन 10 डेज। तो मैं क्या करता हूँ अगेन से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दे, तो ChatGPT क्या करेगा, मुझे आउटलाइन लिख के देगा। उसके बाद ये जो है मुझे एक प्यारा सा आर्टिकल लिख के दे देगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या, आप ट्रिक आपने यहाँ से समझनी है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करा, आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। आपने पूरा कॉपी नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ तक कॉपी कर लेना, ये नहीं आपने हाफ जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली वहीं पे चले जाना है, और अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो निकालना है, और यहाँ पे आपने अपना आर्टिकल जो है वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप आर्टिकल पेस्ट करेंगे आप चाहें तो इसको मिडल में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं मिडल में कर देता हूँ, ठीक है। आल को सिलेक्ट करना है और आल को ही आपने मिडल में कर देना है, तो कुछ इस तरह से आपको आर्टिकल शो होगा। उसके बाद आपने एंड वाली लाइन पे जो है वो रीड मोर का जो है वो एक आपने ऑप्शन जो है वो डाल देना है, ताकि यहाँ पर जो है हम अपना जो हमारा रहता है लिंक जो रहता है वो हम डाल पाएँ। तो यहाँ पे मैंने रीड मोर का ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे जो है एक मैं डॉट लगा देता हूँ, आप चाहें तो ये वाला डॉट भी लगा सकते हैं, तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली जाना है अपने एडस्टीरा के अकाउंट के ऊपर, और एडस्टीरा के अकाउंट के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है कि डायरेक्ट लिंक्स में चले जाना है, ठीक है। डायरेक्ट लिंक में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं हमारे स्टिल वही पे हैं, बहुत सारे
सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्कैम कर रहा है शाम भाई, और ये कर रहा है वो कर रहा है भाई, कोई भी स्कैम नहीं होता, जो हम कर रहे होते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप डायरेक्ट लिंक पे आएंगे, आपने सिंपली यहाँ डायरेक्ट क्रिएट डायरेक्ट लिंक करना है, या अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आपने उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने चले जाना है यहाँ पे मिस्टर शाम पे, जहाँ पे जो हमने वेबसाइट बनाई है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है इसमें लिंक ऐड कर देना है, सिंपली इनको सिलेक्ट करके भी आप जो है वो लिंक ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो ऊपर यहाँ पे आपको इंसर्ट लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट लिंक लग गया। ठीक है, अब आपने दोबारा से इसको जो है वो एक जो है वो इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने एक बटन ऐड करना है, यहाँ बटन के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप बटन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड PDF आप लिख सकते हैं। तो मुझसे जो है वो कीबोर्ड दूर पड़ा है, तो मैं बिना देखे कीबोर्ड पे जो है वो राइटिंग कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे दे देता हूँ डाउनलोड PDF आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एनीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं डाउनलोड PDF लिख लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे PDF लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने PDF का लिंक लगाना है। तो अब आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, आपने अपना जो सर्च किया हुआ है इसके आगे आपने लिखना है PDF। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PDF और सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपने ऑल पे जाना है। ऑल पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आप चाहे तो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अदर देन यहाँ पे आपको ये देखें PDF मिल रही है। यहाँ पे आपने सिंपली इसके ऊपर आना है, और आप अगर अपनी वेबसाइट बना लेते हैं वहाँ पे एक्सट्रा के अकाउंट लगाएंगे तो आपको डबल अर्निंग होगी। हम तकरीबन ऐसे ही करते हैं, सिंपली ये जो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप इसी का यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करके आप जो है इसके सॉरी मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक ही कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अकाउंट वगैरह बनाने का गया। खैर, आप इसी वेबसाइट का लिंक कॉपी करो और सिंपली चले जाओ यहाँ पे लिंक पे, आप ये डाल सकते हो, या फिर यहीं पे ही आप जो है वो दोबारा से अपना डायरेक्ट लिंक जो है वो भी लगा सकते हो। अच्छा, जब आप ये सारी सेटिंग कर लेते हैं, अब आपने क्या करें, इसको पब्लिश करना है। ये आपका एक सिंपल आर्टिकल बन गया है, आप चाहें तो इसको प्रीव्यू वगैरह भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं जो है SGA दे देता हूँ, ऑलरेडी टेकन है तो मिस्टर शाम ही दे देते हैं। ठीक है, मिस्टर शाम ये इतने ज़्यादा जो है मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ। उसके बाद इसको मैं जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद हमारा जो मेन आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है। अब आपने यहाँ पे जाना है, और ये देखिए आपका जो है ये अकाउंट जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब आपने इसका लिंक कॉपी करना है जो शेयरेबल होगा। सिंपली यहाँ से हम इसका लिंक लेंगे। एक दफ़ा आपने इसको जो है वो न्यू ब्राउज़र में पेस्ट करके चेक कर लेना कि आपका जो वेबसाइट आपने बनाई है वो वर्क कर रही है। यस गाइस, हमारी जो वेबसाइट है वो वर्क कर रही है। अगर मैं रीड मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा मेरे डायरेक्ट लिंक के ऊपर। ठीक है, जो मेरा एड्रेस का है। अब आपने करना क्या है गाइस, सिंपली आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है। मैं आपको 3-4 वेबसाइट्स बता देता हूँ जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे, वो भी बता देता हूँ। आपने सिंपली pocket.com जो एक वेबसाइट है आपने इसको सर्च करना है। उसके बाद आपने साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है इसका एक अकाउंट बना लेंगे। सिंपल सा आपने इसमें जो है वो पासवर्ड वगैरह दे के जो है एक अकाउंट बना लेना है। अगर आप चाहें तो इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं तो ईजी रहेगा। ठीक है, शायद मैंने पासवर्ड गलत मिला दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेता। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आपने क्या करना है, सिंपली अपने अकाउंट में चले जाना है। मैनेज प्रोफाइल के ऊपर आप जाके अपनी वेबसाइट को यहाँ पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पॉकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक पैकेज का ऑप्शन सॉरी एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आपको सेव URL का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। URL के ऊपर अगर आप क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अपने लिंक को ऐड करते हैं, तो ये जो है आपका एक ऐड जो है वो मिस्टर शाम वाला वो एक आपका लिंक यहाँ पे बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो आर्टिकल है। अदरवाइज आप जो है सिंपली क्या करेंगे, पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन सभी को जो है यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्च वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डिस्कवर में लिस्ट में आप ऑल लिस्ट वगैरह को जो है वो चेक कर सकते हैं। सिंपली जब आप इसके ऊपर कोई भी यूज़र आता है, इसके ऊपर क्लिक करता है, तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है हमारे जो मेन हमारी वेबसाइट हमने बनाई है उसके ऊपर। ठीक है, लोगों ने ऐसे ही लगाए होते हैं। और फिर आप व्यू ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं लिखना होता, जस्ट आपने अपना जो है वो लिंक लगाना होता है, और उसके बाद बूम आपकी जो चीज़ है वो यहाँ पे जो है वो डन हो जाती है। राइट,
ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसकी मज़ीद यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैनेज प्रोफाइल के ऊपर जाके आपने फुल नेम लास्ट नेम यहाँ पे जो है वो आइकन वगैरह आपने अपना दे देना है। इसका क्लियर डेटा वगैरह भी कर सकते हैं। सेव्स के ऑप्शन के ऊपर जाके जो है इसको ओपन करके आप इसकी भी मज़ीद यहाँ से जो है वो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐड टू लिस्ट, आर्काइव, टैग में जो है आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। वैसे ये प्रीमियम के लिए होता है, तो कुछ इस तरह से जो है आप इसको सिंपल में अगर अल्फाजों में बोलूँ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप इस आर्टिकल को यहीं से शेयर कर सकते हैं। आप जो है वो हाईलाइट मेन्यू भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। अब ये लोग आएंगे, जैसे कि यहाँ पॉकेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इसकी डीपी वगैरह भी ऑटोमेटिकली जो है वो शो होना लग जाएगी जो आपने अपने आर्टिकल में लगाई हुई है, यानी यहाँ पे जो हमने ये लगाई हुई है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी इमेज भी अप जो है वो अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक मैं लगा देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करने के बाद देर आर नो अनपब्लिश चेंजेस टू रिव्यू, ठीक है, रिटर्न टू एडिटर। तो ये हमारे जो है वो लग चुकी है और फिर हम इधर ही आएंगे और ये हमारा जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे जो वो पोस्ट कर रखे हैं। सॉरी, यहाँ पे जाना है मैंने, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम जो है वो ले सकती है, यहाँ पे आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी डीपी जो है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो कोरा की तरफ भी जा सकते हैं, मीडियम की तरफ भी जा सकते हैं। कोरा पे भी आपको जो है वो सेम वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वहीं पर आपने अपना जो है वो लिंक देना होता है और फिर आपकी जो है वो अर्निंग ईजीली होती रहेगी। ज़्यादा नहीं गाइस, मैं फिर कह रहा हूँ, पॉकेट मनी आपकी जनरेट होती रहेगी। मीडियम भी एक वेबसाइट है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको जो है वो अच्छी खासी अर्निंग होगी, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों ने सेम वेट लॉस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करे होते हैं। तो यहाँ पे मीडियम का भी आप यूज़ ले सकते हैं, कोरा का भी आप जो है वो यूज़ ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है, बट अर्निंग भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो हो जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबा।